गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। पहले ये वाला बैग यूज करते थे, उसके अंदर ऐसे दिस वॉज द फर्स्ट शटल का डब्बा जो हम लोगों ने 2-3 महीने लगा के खत्म करा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है जी, गुडू गुडू गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम सुप्रभातम। सुबह सुबह क्या नाश्ता चल रहा है? बढ़िया बढ़िया पौष्टिक, ज्वार की रोटी, ज्वारी रोटी, लौकी, लौकी की सब्जी, लौकी 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 चैलेंज आपका हो गया था? करा ही नहीं तुम लोग, भूल गए तुम लोग, मैं क्यों याद दिलाऊं? हम करा था, पर आप तो पापा आज तो आप खुद से लौकी खा रहे हो, तो आप चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने को चैलेंज दो तो चैलेंज के लिए अन्ना 24 घंटे चुकन्ना तैयार। चैलेंज से क्यों डरना भाई, चैलेंजेस मेक यू स्ट्रॉन्गर इन योर लाइफ। मम्मा आप लौकी क्यों नहीं खा रहे हो? मम्मा के दांतों में ना थोड़ी सी हाई हो रही है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट खाना खाना, वैसे लौकी भी सॉफ्ट है, हो जाता है। चैलेंजेस से नहीं घबराने का, सिर्फ छाछ पीने का, छाछ पीने का, और छाछ पियो, गर्मी आ गई ना, चाय कम छाछ ज्यादा, चाय कम छाछ ज्यादा, चौकन्ना अन्ना 24 घंटे, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, यह घबराने का नहीं। आज का लेसन, चैलेंजेस मेक यू स्ट्रॉन्गर, डोंट शाई अवे फ्रॉम कन्फ्रंटिंग योर चैलेंजेस। वेरी गुड वेरी गुड। सुबह सुबह खिचड़ी खाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैंने खिचड़ी कल बनवाई थी तो जैसे कैमरा डालता है इतना कॉन्शियस क्यों हो जाता है? बाल सेट करने रख पड़ा इसको, बहुत शादी हुए, एक साल सुपर हो, अब हो चुका है, मॉडल पुराना हो गया, अब कोई इशू नहीं है, नाउ देयर इज नो इशू। अब बेसन का शीरा खाना आपने? बेसन का शीरा बनाया दोनों, मम्मा बेटा दोनों के दोनों। अरे हल्का फुल्का इसमें क्या? नहीं एक्चुअली ना हमारे घर में, मैं आइसक्रीम खिलाए, आइसक्रीम और आइसक्रीम खिलाएं जरा, वो मम्मा ने बनाई थी तो क्यों नहीं खाई? नहीं वो वाली नहीं, दूसरी वाली, बाहर वाली। पौधे पौधा देखने आया, पानी वो देखो देखो, वो फ्लावर आया ना मम्मा, ये फ्लावर कहाँ गए आपके? अरे इसमें अभी फ्लावर आए थे, फ्लावर चले गए। अगर इसके अंदर वही सामान है जो मेरे को लगता है कि वो आया है, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस। ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये मेरे मतलब की चीज़ है। फाइनली इतने महीनों बाद सेकंड डब्बा और शटल। जब से बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया ना लास्ट ईयर से, तो हम लोग हडल नाम की ऐप है उस पर अपनी बुकिंग करते हैं और फिर खेलते हैं। तो पहले कोई तो मैविस 350 होती है, जो बढ़िया शटल होती है, उसकी कॉपी लेके आए थे, मैक्सिस 350 साथ वाली दुकान से लेके आए थे। वो भी पूरा डब्बा नहीं लेके आए थे, 2-3 शटल आए थे, तो उन्होंने डब्बा दे दिया था रखने के लिए, स्टोरेज के लिए, वरना उससे पहले तो सिर्फ एक एक शटल लेते थे ना, तो बैग में डालते थे मुड़ जाती थी। फिर ये ऑनलाइन मंगवाई थी, बोल्ट गोल्ड मंगवाई थी, लीनिंग की वो शटल मंगवाई थी अक्टूबर में, और अब जाके खत्म हुई है, अब उसका सेकेंड डब्बा मंगवाया है। खेलने में मजा आता है, पुरानी वाली हो गई तो सारी हालत बुरी हो गई थी, आज मजा आएगा खेलने में। बाल्टी वो मम्मा की बाल्टी में ना क्रैक आ गया था, हाँ मम्मा ने बोला था डार्क कलर चाहिए, तो आपकी वाली जो बाल्टी थी ना वो रेड कलर थी, सेम में ब्लू कलर, और मैंने अपनी शटल मंगवाई है, खत्म हो गई थी शटल। लीनिंग की मंगवाई, लीनिंग की अच्छी होती है, लीनिंग की यूज करते हैं हम लोग, पूरा एक डब्बा खत्म कर चुके हैं। ये लीनिंग की अच्छी, और कॉस्को की भी ठीक होती है, ऐसी बात नहीं, कॉस्को नहीं है वो दूसरी आती है उसकी, मैक्सिस क्या ब्रांड है, योनिक्स की मैविस 350, मैविस 350 सबसे फेमस पॉपुलर है। ये स्लो मंगवाई तूने? नहीं सारी स्लो होती है, इंडिया में स्लो चलती है, ऐसा नहीं है, मिल जाती है। मैं मीडियम फेस पर एक दुकान होती थी, ये जो गुरुद्वारा है ना प्रशांत में, उसके पीछे सीधा सीधा चले जाओ, सुबह 6 बजे खुलती है, राशन वाली शॉप है, उसके साथ वहाँ पे शटल भी मिलती थी, तो हम जो खेलने जाते थे तो वहाँ शटल पर। ये मैंने सारी चेक कर ली थी, स्लो शटल ही मिलती है, इवन जो मैविस 350 होती है वो भी स्लो होती है, ये जो जैसे ये ग्रीन होता है ना, हाँ हर जगह ग्रीन बैंड ही होता है शटल्स में मोस्टली, वो व्हाइट और रेड भी आता है, व्हाइट और रेड आता है, पर वो कोल्ड टेम्परेचर्स के लिए ज्यादा होता है। हाँ जब मैंने शटल ली थी तो मैंने रिसर्च करी थी, तो उस हिसाब से मुझे ये पता चला था। बट ये थोड़ा एक्चुअली लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। आपको शीरा बना दूं मैं? शीरा मैं कुछ खा लेता, ग्रीन स्लो, ब्लू मिडिल का, और रेड फास्ट, रेड नहीं तो रेड शीरा बना दो, शीरा बना दो, खेलना है बैडमिंटन, नई शटल आई है, बड़ी मस्त चलती है नई शटल, भाभी तो आपके बिना चलती नहीं है, आप चलोगे तब भाभी चलेगी। मामा वो सामान मंगवाया था ना, तो वो ये आई है, मेरी शटल आई है, इतने बड़े से बक्से में बताओ एक शटल आई है, कितना ज्यादा वो होता है यार, देखो गोल्ड गोल्ड सेफली
डिलीवर करते हैं। हैंड की है? हैंड की नहीं, लीनिंग की नहीं, फैदर हैंड के फैदर है। नहीं प्रावा, इतनी महंगी शटल नहीं लेते हम लोग। हम तो हैंड की शटल के साथ खेलते हैं। हम वो आर्टिफिशियल वाली के साथ खेलते हैं। मैं याद आया, कॉर्क नेचुरल होता है भैया, उसमें अपने वो पैसे इकट्ठे करके रहते थे उस जमाने में। आती है नाम कंपनी का दिमाग से नहीं चल गया, पता नहीं किसकी लेते थे। उसकी लेते थे योनिक्स की, योनिक्स की तो बहुत महंगी आती थी उस टाइम। तो ये भी, ये डब्बा सोचो कितने का, 6 शटल का। और थी हमारे उधर, अरे जलंधर में बस्ती को जाके वहीं से बन के जाती है, सब ब्रांड लग जाते हैं। जलंधर इज ए स्पोर्ट्स हब। ये बताओ कितने की होगी? गेस। ये नहीं मुझे पता। 6 शटल का पैकेट, गेस प्राइस। आई डोंट, रफ एस्टिमेट भाई, मैं आप कल खेलता ही नहीं, आई डोंट हैव। 600 रुपए की होंगी, 900। वैसे ये मिलती 800 की है, पर ये मैंने जहाँ से मंगवाई है वो मतलब अमेज़न पे, वहाँ से 600 650 देख रहे। मेरा रफ गैस है, लुक इन टू द प्राइस इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। चलो वो इतने बड़े वाले, इतने बड़े वाले डब्बे में से सिर्फ ये शटल ही आई है। इतने बड़े डब्बे में सिर्फ एक शटल थोड़ी देंगे वो। नई बाल्टी मंगवा दी मैंने अब आपको। ये भी पहले पहले जमाने में खुद जाओ लेने और ऐसी चीजें लेने में बड़ा जोर लगता था। मम्मा सबसे पहले मैंने वहां से नहीं मंगाई थी, और नया क्या वो नया ऐप शुरू हुई थी तो कॉलेज में ही थे वो। बिग बास्केट नहीं, नहीं वो बाल्टी फ्री मिली थी बिग बास्केट से। बिग फ्री नहीं मिली थी, मैंने मंगाई थी यार। वो आंटी पोछा लगाती थी ना, टूट गई थी, तो मम्मा ने बोला क्या लेके आऊंगी। रेफर क्या नाम, ग्रोफर्स, ग्रोफर्स अश्विनी ग्रोवर वाली थी। हां अश्विनी, अश्विनी नहीं नहीं चली थी, ये मैं बात कर रहा हूं 2012 तक लगे तुम कॉलेज की। अब मैं आपको पहली बार वहां से पते की बात बताऊं, मैं आपको जो कल आपने फर्स्ट टाइम जिस ऐप से सामान मंगवाया ना, वो और ग्रोफर्स सेम ही ऐप है, बस रीब्रांडिंग है। अच्छा वो ब्लिंकिट ही ग्रोफर्स है, ग्रोफर्स अच्छा, ही ग्रोफर है। ब्लिंकिट बन गई है। हाँ, क्या नाम था वो उसका, क्या डायलॉग था? गंगाधर। हाँ, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। हाँ, यही याद रहा। तो आपके टाइम का सीरियल है, हमें तो डायलॉग याद रखना पड़ता है। मेरे टाइम का नहीं, मैंने शायद उसके 10 एपिसोड नहीं देखे हुए, तुम लोग ही देखते थे। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही, क्योंकि उन दिनों में मेरे पास टाइम कहाँ आता था। तेरे साथ मैंने वो देखा, वो ऑसवर्ड विनी, वो भी समर वेकेशन। ये ग्रोफर से जब पहले पहले ग्रोफर आई थी तो एक बाल्टी आ गई थी ग्रोफर से, पर ये और ग्रोफर की बाल्टी में बहुत फर्क होगा। मोमेंट लग तो ड्यूरेबल, अच्छी क्वालिटी की लग रही है, इट्स नाइस। चलो इंसान को ना छोटी छोटी चीजों में फन लेना चाहिए। ये है हमारा पुराना वाला शटल का डब्बा, नहीं वो ये नया वाला, ये है वो सबसे पहले जिससे खेलना शुरू करा था ना, जब खेलते थे ना वो। इसके पास एक, इसमें एक फेदर वाली शटल भी पड़ी है, या तो ली होगी वो, ये योनिक्स की है फेदर वाली। इसके अंदर बहुत सारी शटलें पड़ी हुई है, पर इसका हालत बहुत बुरी हो गई है। फिर ये किसकी है, ये ऐसे नकली सा कोई ब्रांड है, ये ब्रांड ही ऐसे कॉपीस है मैक्सिस वाला। और फिर उसके बाद इसके अंदर सारी की सारी वो, इसके अंदर योनिक्स की भी है, इसके अंदर योनिक्स मैविस 350 वाली भी है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, मैविस 600 भी है। और फिर ये रही, ये ट्रायम्फ वाली मैक्सिस की फर्स्ट कॉपी टाइप सी। और ये पूरा डब्बा पहले जब यूज़ करते थे ना, तो मैविस 600 टाइप की शटल को भी ऐसे, वो पहले ये वाला बैग यूज़ करते थे, उसके अंदर ऐसे मैविस 600 वाली शटल भी ऐसे डालते थे, तो ऐसे शटल मुड़ सी जाती थी। तो फिर एक दिन ऐसी शटल ले रहे थे, 2-3 शटल, तो भैया के पास डब्बा खाली पड़ा हुआ था ये, तो भैया ने डब्बा दे दिया। तो दिस वॉज द फर्स्ट शटल का डब्बा जो हम लोगों ने 2-3 महीने लगा के ख़त्म करा था। ये वाली है, हाँ, जो ये वाली शटल ली थी, ये वाली शटल जो थी ये काफी महंगी पड़ी थी, तो हम लोगों ने इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के यूज किया था, रगड़ रगड़ के। तो आती है शटल, ये वाली आती है, ये अमेजोन से लेता हूँ तो पड़ती है 600 की, वैसे दुकानों पे लेता हूँ तो 750-800 की पड़ती है डब्बा। हाँ डब्बा, 6 शटल होती है, देख रहे हो शटल का पूरा। हाँ, आइटम 60-70 रुपए की आ रही, पूरी रेड पीट रखी है इसकी। इसके अंदर एक शटल नकली वाली है, ये वाली, क्योंकि ना ये शटल आज आपको कल दिखाऊंगा, जब जाते हैं ना खेलने तो एक जगह ऊपर चढ़ जाती है, फिर वो ऊपर से निकालने में दिक्कत होती है। तो हमारी चढ़ गई थी, फिर किसी और की निकल गई थी, तब तक भैया ने बोल दिया कि मत निकाला करो, ऐसे अलाउड नहीं होता। तो फिर हमने पूरा सेट कंप्लीट करने के लिए नकली वाली शटल अपने सेट में डाल दी। नकली सबसे वो सही हालत में थी, बाकी देख रहे हो। पर इनका ना ये लीनिंग वाली शटलों का ना ये वो अच्छा होता है, नीचे ना नेचुरल कॉर्क होता है, तो अच्छे से वो यूज़ होती है। और अब फाइनली आज हमारी खुलेगी बढ़िया वाली शटल, इनकी रेंज बड़ी अच्छी होती है, ऐसे मारते हो। लास्ट 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 लास्ट
इसको मिक्स कर दी नीचे सारी शटल तूने। वो तो अभी ठीक करूंगा। ये वाला जो बैग है ना, ये मैं जब अपना टेनिस का रैकेट लेने गया था ना, तब भैया ने 200 रुपए का ये बैग दिया था, सेक्टर 4 में एक दुकान है बड़ी अच्छी। ग्रिप चढ़वाई थी। नहीं, ग्रिप नहीं करवाए थे, टेनिस का रैकेट ही जब लेने गया था। वो लिया भी उसी दुकान से ही है ना, लिया भी उसी दुकान से। तो भैया ने ये ऐसे 200 रुपए का पड़ा हुआ था भैया के पास, दे दिया भैया ने। अब इसमें सारे रैकेट्स आ जाते हैं। दो ना ऐसे बहुत ऐसे, जैसे ये कॉस्को का एक रैकेट पड़ा हुआ ना कमांशी का, एक कच्चा रैकेट है वैसे, ऐसे दो और पड़े हुए थे, वो दोनों ना फिर टूट गए थे। फिर ये एक तो करण ने लिया था, ये योनिक्स का, ये आज के जमाने का वो है, क्या कहते हैं, कार्बन फाइबर वाला। ये था 2000 का, और ये मैंने लिया था अमेजोन बेसिक्स वाला रैकेट, ये भी कार्बन फाइबर है सेम, बट ये 1000 रुपीज का है। तो मैं कभी कभार इससे खेलता हूँ, कभी कभार इससे खेलता हूँ। इसको हम लोगों ने रिटायर कर रखा है। दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट वो योनिक्स योनिक्स है, बट योनिक्स मेरे को थोड़ा कम अच्छा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा वो टेल हैवी है और ये बैलेंस्ड है बजाय, क्योंकि ये है भी सस्ता बट ये बैलेंस भी है, बट वो भी हो सकता है कि इसमें ग्रिप चढ़ी हुई है, इसमें अभी ग्रिप नहीं चढ़ी हुई, बिना ग्रिप के चलता हूँ तो, बट अच्छे लगते हैं मेरे को दोनों। इसको हम लोगों ने विंटेज रैकेट बना रखा है विंटेज कलेक्शन में, और ये वाला रैकेट जब ये चौथा मेंबर कोई आता है तो उसके हिसाब से, और ये मेरी वाटर बॉटल जब मुझे प्यास लगती है तो पानी पीने, जो आधे टाइम गाड़ी में पड़ी रह जाती है, नहीं मैं उसको रखता हूँ। दैट वॉज ऑल फॉर माई बैडमिंटन अपडेट। आज हम लोग खेलेंगे नई शटल, नई शटल चाहिए, नई शटल से खेलना चले फिर। बुक कर दूं मैं 9 से 10, 10 से 11 अभी चलो सब। अब ये सारा जो अड़ंग बड़ंग करा था, अब इसको सेट भी करना है। ये एक फेदर वाली शटल पड़ी हुई थी मेरे पास, योनिक्स की है। सिंथेटिक से ज्यादा खेलने में मजा आता है, क्योंकि फेदर वाली तो फिर एक मैच में खराब हो जाती है, फिर अगले मैच में लेने में जो दुख होता है ना, जनरेशन गैप आ जाता है। हम ना सिंथेटिक वाले को बड़ा वो उस नजर से देखते हैं, हमारे टाइम पे नई नई आनी शुरू हुई थी। वैल्यू फॉर मनी भी कोई चीज होती है ना मम्मा, हम कौन सा प्लेयर है जो पूरे दिन ही, देखो जी रेगुलर है नहीं खेलते थे, लेकिन हमारा भी फर्स्ट एक्सपोजर डक शटल का वो हंसरा स्टेडियम है जलंधर में, आज पता नहीं आएगी वहां वुडन ट्रैक था उस टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s, मिड 80s टू लेट 80s, 85 टू 88 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ जाता है तो वहाँ नाम भूल गया, कोच साहब थे, तो वह हम वो वुडन फ्लोर पे खेलते थे, तो वहाँ पे वो वहाँ पे हैन की शटल अलाउड ही नहीं होती थी। फिर हम आपस में जो भी दो या चार दोस्त होते थे पैसे इकट्ठे करके फिर वो शटल लेते थे, उससे फिर खेलते थे। नहीं हम तो वुडन में ही खेलते हैं, पर हम तो सिंथेटिक से ही खेलते हैं।